start our next poem, which is Ode to a Skylark, written by Percy Bysshe Shelley. In short, we also call it P.B. Shelley. Okay. So as you know that before him you have read John Keats, and now you are reading P.B. Shelley, a very renowned and very famous writer of Romantic Age. Romantic era. All of you must be knowing that they were writing about nature. They were writing about their own imagination. They are writing about their individual experiences, whatever they are noticing in nature. And the second worst thing is, because I have told you, or I might not have told you this thing, at that time when French Revolution took place in 1789, so much chaos and clash were taking place at the same time. So somewhere or other, mankind wanted peace, hai na? They wanted peace, they wanted happiness, they wanted relief for themselves, hai na? So these writers, the group of writers like Wordsworth, Keats, Shelley, they find relief in nature, okay? They have written about nature. They were, trying to belong to everything that was connected to nature. So in the same manner, and now I'll be telling you about something about Shelley, P.B. Shelley. Shelley is one of the supreme lyrical geniuses of English literature. बहुत बड़े ही महान राइटर हैं वो, किसके? English literature के. और उनका जो genius है वो उनकी poems में उभर के आता है. His command over sound effects is nothing short of marvel. उनकी जो poetry है और उस पर जो उनकी command है, मतलब उनके sound effect जो है वो आप महसूस करेंगे. जब मैंने आपको शुरू में सब चीज़ें बताना शुरू किया था, मैंने आपको बताया था कि इनकी poetry में एक picturesque quality होती है, graphic image आपके दिमाग में हमेशा क्रिएट होती है जब आप क्या करते हैं, पोएट्री को पढ़ते हैं, है ना? तो वो साउंड इफेक्ट्स वगैरह भी आप महसूस कर पाएंगे जब इनकी पोएम को पढ़ेंगे. वो अपने आप में बहुत ही क्रिएटिव है. ओके, हिज पोएट्री इज एन एपिटॉम ऑफ ऑल द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोमांटिसिज्म. उनकी जो पोएट्री है वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किसका, रोमांटिसिज्म की. जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, मेन जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उसके रोमांटिसिज्म के, क्या क्या होता है? स्पॉन्टेनिटी. स्पॉन्टेनिटी की उनकी पोएट्री में एक स्पॉन्टेनियस होती है, मतलब मुक्ति जिसे कहते हैं वो होता है कि एकदम से उभर के आते हैं उनकी पोएम जो है. देन लिरिकल इफ्यूजन. लिरिकल गीत की तरह, इफ्यूजन मतलब उनमें गीत की तरह बहाव होता है, जैसे गीत में एक फ्लो होता है ना, उस तरह से होता है. मेलोडी ऑफ वर्ड्स एंड अ फ्यूजन ऑफ माइंड ऑफ मैन एंड सोल ऑफ नेचर, है ना? मेलोडी एक बहुत ही मधुर संगीत होता है किसका, वर्ड्स मतलब पोएट्री का, एंड फ्यूजन ऑफ माइंड ऑफ मैन एंड सोल ऑफ नेचर. कहीं ना कहीं हम कनेक्शन की बात करते हैं कि किस तरह से एक इंसान का दिमाग किससे जुड़ पा रहा है, नेचर से जुड़ पा रहा है. ओके, इन फ्यू अदर पॉइंट्स डू वी फाइंड द शॉर्ट ट्रैम्पल्ड फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन. कुछ और पॉइंट्स में भी हम लोग क्या पाते हैं, इसी तरह कल्पना की उड़ान की, किस तरह से जो राइटर्स होते हैं वो अपनी कल्पना को उड़ान देते हैं. द म्यूजिक एज स्पॉन्टेनियस एज अ सॉन्ग ऑफ हिज ओन स्काईलार्क, है ना? स्काईलार्क एक पक्षी होता है, फाख्ता जिसे हम बोलते हैं. उसका म्यूजिक कितना कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, उसी तरह से उनकी पोएट्री भी रन करती है. द सुपर टेरेस्ट्रियल हारमोनीज पोइंग डाउन फ्रॉम द एरियल रीजन. कहीं ना कहीं सुपर टेरेस्ट्रियल ऐसा संगीत जो धरती से कहीं बहुत दूर का संगीत है वो कहीं निकल के आ रहा है किसी बहुत ही एरियल, मतलब हवा के इलाकों से, मतलब ऊपर से कहीं से ये म्यूजिक उभर के आ रहा है. और दिस इज अकम्पनीड बाय द इनर फायर्स ऑफ रिफॉर्मर ज़ील एंड ट्रांसेंडेंट विजन ऑफ द आइडियलिस्ट हू बिलीव्स इन अ गोल्डन एज टू कम, है ना? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो इंसान थे वो क्या चाहते थे, शांति चाहते थे, सुकून चाहते थे, हैप्पीनेस चाहते थे. तो इनके पोएट्री में कहीं ना कहीं क्या होता है, रिफॉर्मिस्ट जी, रिफॉर्मिस्ट सुधार की चेतना, कि कहीं ना कहीं पृथ्वी में सुधार आना चाहिए. एंड ट्रांसेंडेंट विजन, बहुत ही ऊंचे दर्जे का एक विजन उनका दिखता है, आइडियलिस्ट आदर्शवाद का, जो कि एक क्या सोचते हैं कि गोल्डन एज आने ही वाली है, सुनहरा समय आने ही वाला है. शेली इज ऑल्सो द प्रोफेट ऑफ साइंस एंड इवोल्यूशन. शेली जो है वो क्या है, एक संत है. किस चीज़ का, साइंस का, मतलब जो साइंस एक होता है हमारा उसका, और इवोल्यूशन मतलब उत्पादकता का, है ना? ही हैज मेनी डिस्क्रिप्शन विच आर वंडरफुली पोएटिक एज वेल एज साइंटिफिकली मेटिकुलर. उसके बहुत सारे डिस्क्रिप्शन मतलब वर्णन आपको ऐसे मिलेंगे जो बहुत ही महान दर्जे की कविता है एक तरह से, और क्या है, वैज्ञानिक तरीके से बहुत ही सटीक है. हाउएवर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ हिज ओन लाइफ मेड हिम मेलंकोलिक, है ना? शेली की अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशानियां रही जिसकी वजह से उसकी खुद की जिंदगी ने उसे कैसा बना दिया, निराशावादी बना दिया, होपलेस मतलब उदासीन भी बना दिया, इवन मॉर्बिड. मॉर्बिड मतलब एक तरह से मरा हुआ जैसे वो बना दिया एकदम, मतलब उसे किसी भी चीज के लिए उत्साह नहीं था. दिस एक्सट्रीम्स रिजल्टेड इन टू डिस्टिंक्ट नोट इन हिज पोएट्री, है ना?
इन दोनों ही सिचुएशंस ने उसकी पोएट्री को दो प्रकार से प्रभावित किया। कैसे? अ प्रोफेटिक सोरिंग ऑप्टिमिज्म, प्रोफेटिक मतलब किसी संत की तरह जो किसकी भविष्य की बातें आपको बता सकते हैं, प्रोफेट उसको बोलते हैं। सोरिंग ऑप्टिमिज्म, सोरिंग मतलब बहुत ऊंचा उठता हुआ आशावाद। व्हेन ही टॉक्स अबाउट मैनकाइंड, जब वो इंसान के बारे में बात करता है। एंड द मॉर्टिंग स्ट्रॉन्स ऑफ डीपली फेल्ट सेल्फ पिटी व्हेन ही टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ। और कहीं ना कहीं जब आप उसकी पोएम को पढ़ेंगे जिनमें की कुछ सब्जेक्टिव एलिमेंट होगा, आपको लगेगा कि शायद वो अपने आप पे थोड़ी दया भी कर रहा है ना, उसे दुख हो रहा है शायद अपनी जिंदगी के बारे में। The most inspiring notes mingle with the keen lament of one to whom our sweetest songs are those that tell the saddest thought, है ना? और उसकी जो पोएट्री आप पढ़ेंगे तो उसका एक नोट उसने कहीं लिखा है, मोस्ट इंस्पायरिंग नोट है उसका, जो सबसे प्रेरित करने वाला जो नोट है वो हमेशा किसके साथ भरा रहता है, थोड़े से दुख के साथ, लैमेंट मतलब दुख के साथ भरा रहता है। इसलिए उसकी बहुत फेमस लाइन भी है, अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। वो कहता है कि हमारे सबसे मधुर गीत तो वही है जो हमारे सबसे दुख भरे विचार के बारे में बताते हैं। ठीक है,